ये जो स्मूथ और सिल्की सा गनाश देख रहे हो ना, ये बिल्कुल होममेड गनाश है। इसमें मैंने कोई भी कंपाउंड चॉकलेट यूज़ नहीं किया है और वो भी बन जाता है सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स से। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ पे मैंने ले लिया है चीनी और उसके साथ मैंने सेम कप से लिया है कोको पाउडर और 1 चम्मच लिया है मैंने कॉर्नफ्लावर। जी हाँ, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम लोग। मिक्स करने के बाद हम लोग इसमें सेम कप से 2 कप मिल्क डालेंगे। मिल्क डालने के बाद इसको भी हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी तक मैंने जो इंडक्शन है उसको ऑन नहीं किया है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी मैं इसको ऑन कर रही हूँ, ठीक है। ऑन करने के बाद हम लोग इसको चलाते जाएंगे ताकि कढ़ाई में ये लग ना जाए नीचे, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग मिक्स करते जाएंगे। थोड़ी देर बाद, 1-2 मिनट के बाद, आप खुद ही देखिएगा इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है और ऐसे जो है थिक कंसिस्टेंसी में ये आ जाएगा, ठीक है। जब भी ये ऐसा थिक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा तभी हम लोग क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे। और इससे ज़्यादा थिक मत कीजिएगा तो ये जम जाएगा पूरा, ठीक है। बंद करने के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच बटर ताकि इसमें अच्छा सा एक शाइन आ जाए, ठीक है। अभी इसको हम लोग एक कटोरी में उतार लेंगे। ठंडा होने के बाद कुछ इस तरह के साथ दिखेगा, लेकिन इसको हम लोग हैंड बीटर से बीट करेंगे तो ये नॉर्मल कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। थैंक यू।